तुम इसमें दिन और रात लगे रहोगे, अपना काम नहीं करोगे, तो ये किराए का मकान है, समय पूरा हो जाएगा, मकान मालिक सिपाहियों को भेज देगा, सिपाही आएंगे। एक मिनट में मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल के बाहर, ये शरीर जमीन पर गिरेगा, गांव के बाहर ले जाओगे, लकड़ियों पर रख के इसको जला दोगे। ये मकान पड़ा है, ये जमीन पड़ी, ये घर का सामान, ये तुम्हारे बच्चे और दोस्त पड़े, कोई जाएगा सर? नहीं जाएगा। बच्चों कोई ना जाएगा? नहीं जाएगा। जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ था तो कुछ लेकर आया? नहीं आया। तो फिर तुमको ये जानना चाहिए, जब वो लेकर नहीं आया, परिवार लेकर नहीं आया, बच्चे लेकर नहीं आया, नाम लेकर नहीं आया, सुनना बोलना लेकर नहीं आया, तो तुम क्यों फंसते हो? ये मुसाफिर खाना परदेश, ये अपना देश नहीं है। दिन में काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। बात समझ रहे हो? फिर कोई काम ना हो तो आधा घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चा भगवान का भजन। बात समझ रहे हो? हाँ, जब तुम आधा घंटा भजन करोगे वही तुम्हारा होगा, जब तुम जाने लगोगे तो जीवात्मा की रक्षा करेगा। कोई नहीं, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब मेरी बात को सुनो। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। अभी कलयुग गया नहीं, अभी कलयुग नहीं आया, अभी तो बिगुल बच गया कि तुम हिंदुस्तान बाबा जी का किराए के मकान का नाम तुलसीदास, फिर किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में। कहां पर आश्रम? बोलो, मथुरा में। जोर से बोलो। हाँ, भूला नहीं, मथुरा में। मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, तो जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, उस ईश्वर का, उस प्रभु का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम है। छुपा हुआ रखा वो सब निकाल देगा, लेकिन कलयुग जाएगा तब, जब कलयुग आएगा। अच्छा ठहरो, तुम्हारा प्रचार 5-10 दिन में, 15 दिन में समय पूरा हो जाए इस मकान से जाने का, समझ रहे कि नहीं? किराए के मकान से जाने का समय पूरा हो जाए और सिपाही आए तो उसको निकालने लगे इस मकान से, तुमको बहुत पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख होगा। तुम्हारी कोई भी मदद, परिवार का, घर का, बच्चे भाई मिलते हैं, ना करे, सहायता ना करे, तो तुम क्या करना? बाबा जी की बात को याद रखना, जब मुसीबत आए तो अंदर अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, क्या बोलो? जय गुरुदेव, जय, क्या बोलो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो। मैं मिलूंगा तुमसे, तुम्हारी मदद करूंगा, समझ रहे हैं? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, उठा लो, जल्दी से बच्चों को उठा लो, देर मत करना। अच्छा,
सब लोग उठा लेना, घर में जाना अभी, थोड़ी शक्कर लेना सारे तरफ और कांकड़ी को ऐसे छुआ देना, शक्कर इस पर कर देना, ऐसे कांकड़ी को फेंक देना, शक्कर को संभाल के रखना जैसे सोना चांदी रखते हो ना, ऐसे संभाल के रखना पीछे से गड़बड़ी ना हो जाए, नहीं तो कहीं इधर उधर हो जाए। तो जब तुम खेत में जाना तो दो दाने शक्कर के बीच में मिला देना, बीच में ऐसे मिला देना, बहुत अनाज होगा, बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे कि नहीं?